भानुप्रतापपुर उपचुनाव में सियासत रफ्तार पकड़ रही है। कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के बाद कांकेर भाजपा युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष दीपांकर सिन्हा पर भी दुष्कर्म का आरोप लगा दिया। कांग्रेस के संचार प्रमुख ने कहा कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में 10 आरोपी है और इसमें ब्रह्मानंद नेताम 10वें नंबर के आरोपी है, जबकि दीपांकर सिन्हा आरोपी नंबर 7 है। 7 में दीपांकर सिन्हा, 8 में नरेश सोनी और 10 में ब्रह्मानंद नेताम। ये चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। इसके साथ ही धारा 164 के तहत उस नाबालिग बच्ची जिसका कि नाम माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत मानवीय संवेदना के तहत और कांग्रेस पार्टी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत आप सबके समक्ष उसका नाम सार्वजनिक नहीं करेगी, उस बच्ची ने धारा 164 के अपने बयान में स्पष्ट तौर पे ब्रह्मानंद नेताम के नाम का उल्लेख किया है। और जब रायपुर में उसके साथ 8 लोगों ने दुराचार किया तब उस बच्ची की उम्र मात्र 15 साल की थी। मतलब इसकी कल्पना से आदमी सिहर उठता है कि एक पूर्व विधायक रहा हुआ व्यक्ति 15 साल की बच्ची के साथ दुराचार करता है और उस बच्ची ने हर दुराचारी के नाम को डायरी में लिखा हुआ था।